नमस्कार किसान साथियों, किसान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी 2 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी बननगर में आए थे। बननगर तहसील के सभी किसान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कुछ अपनी समस्या लेकर गए थे कि यह हमें समस्या आ रही है, इसका इन समस्या से हम काफ़ी परेशान हो गए हैं, आप कुछ समाधान कीजिए, आगे हम किसान बर्बाद हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की बात सुनने से इनकार कर दिया और जो किसान अपनी बात को रखने के लिए आगे बढ़े थे उनको जेल में डाल दिया, जिसमें हमारे राजेंद्र सिंह जी सोलंकी हरनौदा वाले हैं। अगर किसान सरकार की बात सुनने से भी मना कर रही है तो समझ जाओ सब किसान भाई हमें क्या करना है। किसान अपनी समस्या भी नहीं बता सकता, समस्या बताने जाएगा तो डायरेक्ट जेल में डाल दिया जाएगा। यह कानून में कहां लिखा है कि किसान अपनी समस्या भी सरकार को नहीं बता सकते? ऐसी क्या समस्या सुनाने गए थे किसान मुख्यमंत्री से जिससे मुख्यमंत्री ने किसानों को जेल में डाल दिया? आप खुद सुन लीजिए, यह एक किसान ने किसान होने के नाते गलत कहा या सही कहा, आप खुद कमेंट में राय दीजिए। जय हिंद साथियों, 2 तारीख को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी चौहान बड़नगर आ रहे हैं, तो मैं शिवराज सिंह जी को अवगत कराना चाहता हूं कि बड़नगर तहसील बड़नगर विधानसभा सहित पूरा उज्जैन जिले में बारिश नहीं हुई है, तो सबसे पहले तो सर्वे कराकर उसको सूखाग्रस्त घोषित किया जाए और फसलों का सर्वे कराकर जल्द से जल्द मुआवजा किसानों को दिया जाए। दूसरी बात, किसानों पर जो निर्यात शुल्क लगाया है प्याज पे, किसान के जो फसल है प्याज, उस पर जो निर्यात शुल्क लगाया है 40%, उसको तत्काल हटाया जाए जिससे प्याज का उचित मूल्य किसानों को मिले। और तीसरी बात, प्रधानमंत्री सड़क जो ग्रामीण क्षेत्र में है उसकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गई है, गांव जाने में तकलीफ हो रही है, तो उसको तत्काल अधिकारी और ठेकेदार से मिलकर उसको दुरुस्त कराया जाए। और ग्राम पंचायत के जो अधिकार छीने हैं कि वो एक सड़क नहीं बना सकते, खेत सड़क योजना, सुदूर सड़क योजना, ये सब बंद कर रखी है, इनको तत्काल चालू कराया जाए जिससे ग्राम पंचायत को पावर मिले, ग्राम पंचायत उत्कृष्ट कार्य कर सके। इन सबको लेकर 2 तारीख को कोर्ट चौराहे पर 12 से 1 बजे के बीच में जब भी शिवराज सिंह जी आएंगे उनको एक ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें सभी साथी आमंत्रित हैं, और इन मांगों को लेकर अधिक से अधिक संख्या में मेरे साथीगण कोर चौराया 2 तारीख को पधारे और शिवराज सिंह जी की आंखें खोले कि किस प्रकार किसानों की स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।